अवसर पर श्रद्धांजलि देता हूं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना के शिल्पी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी को, जिन्होंने आज से 60 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में देश के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश का ये सैनिक स्कूल देश की रक्षा सेनाओं के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। प्रशासन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और रक्षा सेनाओं के क्षेत्र में भी उत्कृष्टतम अधिकारी और अच्छे सही बैठती है। वही बात संस्था के लिए भी उसी प्रकार से अक्सर सह सही होती हुई दिखाई देती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे डायमंड जुबली कार्यक्रम में। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित हैं और शिक्षा से जुड़ी अपनी बातों को सामने रखते हुए नजर आए हैं। किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है सैनिक स्कूल, उसके बारे में भी बातें सामने रखी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और पराक्रम के माध्यम से पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने उसको महसूस किया है। कैप्टन मनोज पांडे इस विद्यालय की उसी विरासत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिनके नाम पर आज देश के पहले सैनिक स्कूल का नामकरण आज यहां पर संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल जब मुझे उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपने का सौभाग्य हमारी पार्टी ने मुझे दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उपलब्ध कराया, तो देश के इस पहले सैनिक स्कूल के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, ये मेरे मन में एक भाव था। और उस समय हम लोगों ने इसकी क्षमता के विस्तार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। साथ साथ ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि हम लोग उत्तर प्रदेश के पहले, इस देश के इस पहले सैनिक स्कूल में बालिकाओं के भी प्रवेश की व्यवस्था करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर हम लोगों ने बालिकाओं के प्रवेश का एक तृतीय सत्र चल रहा है। इस तीसरे सत्र में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके योगदान से भी हम सुरक्षा भी, समृद्धि भी और लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, यह भाव भी आज हम सबको दिखाई दे रहा है। और हम सब ने पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को इस अवसर पर आगे बढ़ाया है। मेरे सामने हीरक जयंती के कार्यक्रम की बात जब सामने आई थी तो मैंने सैनिक स्कूल के प्रबंधन से इसी बारे में कहा। मैंने कहा देश का पहला सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल ने अनेक विभूतियों को देश को दिया है, खासतौर पर रक्षा सेना के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा हमारा उत्तर प्रदेश का ये सैनिक स्कूल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शाही यहां पर हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे सामने ही अनेक देश की रक्षा सेनाओं में वर्तमान में विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले हमारे अधिकारीगण, सेना सैनिक अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी उपस्थिति इस हीरक जयंती कार्यक्रम को और भी गौरवान्वित करती है। तो स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम वर्ष भर हमारे चलने चाहिए और वर्ष भर किसी न किसी कार्यक्रम को देखते हुए हमें इस अभियान को निरंतरता देनी चाहिए, इसको एक औपचारिकता नहीं बनानी चाहिए। और हमारा प्रयास हो कि जब हम लोग 2021 में इस कार्यक्रम हीरक जयंती कार्यक्रम के समारोह को करें, उस समय देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करें। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को देख ही रहा था, मैंने पिछली बार इस बारे में आप लोगों से कहा ही था
आज जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे 10 मिनट लेट इसी बात को लेकर हुई कि उसी समय राष्ट्रपति जी का भी फोन मेरे पास आ गया था एक मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि एक अच्छी स्थिति है कि हम लोग इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी से तय करें कि सैनिक स्कूल आज की आवश्यकता है, और आवश्यकता इसलिए भी कि किसी भी देश के भविष्य को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, अगर ये तय करना है उस देश के युवाओं की भावनाओं को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, और यूथ के जीवन में अनुशासन मुझे लगता है कि उसे सैनिक स्कूल उसका बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है, और हमें इसलिए सैनिक स्कूल की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल को कि उन्होंने कोविड 19 के इस वैश्विक महामारी के संकट के कालखंड में भी उन्होंने यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। मैं जानता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति में जितना भव्य कार्यक्रम हो सकता था उतना भव्य कार्यक्रम तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस सैनिक स्कूल से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं किसी न किसी रूप में हम सब के साथ जुड़ रही हैं, लेकिन साथ साथ एक पूरे वर्ष भर का हमारे पास एक कार्यक्रम और एक स्पष्ट कौन कौन से कार्यक्रम कब हमें करने हैं यह भी एक रूपरेखा हम सब के सामने प्रस्तुत हो जाती है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के इस पहले सैनिक स्कूल यानी देश के पहले सैनिक स्कूल के सर्वांगीण विकास में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतने देगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही को नहीं बरतने देगी, क्योंकि मैं स्वयं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि कौन सा कार्य कहां पे रुका हुआ है और प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को आगे बढ़ा करके यह सैनिक स्कूल देश के लिए एक रोल मॉडल बन सके, उस रूप में हम प्रस्तुत कर सकें इस देश से इसके विकास के लिए जो कुछ भी योजनाएं सैनिक स्कूल की ओर से शासन के स्तर पर प्रस्तुत होंगी प्रदेश सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। मुझे पूरा विश्वास है एक वर्ष के अंदर हम इतने अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से सैनिक स्कूल की कायाकल्प को इस रूप में प्रस्तुत करें कि समारोह कार्यक्रम में जब हम भव्य आयोजन करेंगे तो देश और दुनिया के लिए अपने आप में एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो सके, उस रूप में हमें इस आयोजन को करना है। 60 वर्ष के इस एक कालखंड के मूल्यांकन का भी अवसर हमें हीरक जयंती वर्ष हमें उपलब्ध करा रहा है। हमने क्या पाया है, क्या खोया है, कहां पर कमी रही है कि हम थोड़ा सा प्रयास करते तो और भी बेहतरीन हम कर सकते थे। मुझे लगता है कि इन सभी के मूल्यांकन का एक अवसर हमें दे रहा है 60 वर्ष के इन कालखंड का, और मैं चाहूंगा कि यहां से निकले हुए जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जितने भी वर्तमान में सैनिक हैं, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं और जितने भी समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत वर्तमान में शासन से या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, वे सभी आदमी भाव के साथ इस सैनिक स्कूल के साथ जुड़े रहते हैं। दायित्व तो हमारा बनता है, हम उन सबको जोड़ करके एक कड़ी के रूप में एक एक कड़ी को जोड़ते हुए एक बेहतर चेन बना करके राष्ट्र रक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए और किसी भी प्रकार की आपदा और देश की विपत्ति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मैं एक बार फिर से इस बात के लिए उन सभी को सौभाग्यशाली मानता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के माध्यम से अपने करियर को आगे बढ़ाया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पल होता है जिनसे वह कभी ऋण नहीं हो सकता, एक तो माँ के ऋण से, दूसरा मातृभूमि के ऋण से, और मुझे लगता है जब भी अवसर मिलता हो इन दोनों के ऋण को चुकाने में कभी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के इस बहुत सौभाग्यशाली सैनिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं से, यहाँ से जुड़े हुए सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन सबसे इसी बारे में कहूंगा कि वे
इस बात को ध्यान में रखकर के जिस एक अभियान के साथ वे जुड़े हैं, जिस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हैं, उस पवित्र अभियान को निरंतरता देते रहेंगे, वर्ष भर के कार्यक्रमों को इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि देश की सभी सैनिक स्कूलों के लिए वह एक मॉडल बन जाए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हीरक जयंती कार्यक्रम के अवसर पर COVID-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो आयोजन किया है, इसके लिए आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब उत्तर प्रदेश के इस सैनिक स्कूल के माध्यम से देश के सामने कुछ एक नया करके दिखाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं और वर्ष भर चलने वाले पूरे कार्यक्रम और पूरे आयोजनों के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इसके साथ ही कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के स्थापना दिवस पर 15 जुलाई 2020 को हीरक जयंती वर्ष